वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस पैनल में इस वक्त मानस नहीं है, याद रखिएगा। मानस जी का एक मैसेज आया है, हाय वीरेन जी, हाय आशीष, मैं अभी प्रोग्राम में नहीं रह पाऊंगा, मुझे बिरयानी लेने जाना है और 6:30 के आसपास बिरयानी पूरी ख़त्म हो जाएगी। मानस जी का मैसेज आया, तो मानस जी अब कार्यक्रम में नहीं होंगे। मेरे को आपकी स्क्रीन पर आप देखें डी हाई की डिटेक्टर मार्केटेड करता हुआ आगे लेके आइए। अब वोल्टास, वोल्टास 1700 वोल्टास अगर आप देखें तो करीब 1251 पे आके ट्रेड करता हुआ डे लो की ट्रेजेक्टरी में और 50 डेमा के नीचे स्लिप करता हुआ ये स्टॉक का। आशीष बहती जी, आपकी राय इस स्टॉक पे, वोल्टास पे, अब ये टिपिकल फ्लैग का ब्रेकडाउन होता हुआ? जिस हिसाब से आज भी ये पिछले 6-7 दिनों से 4 दिनों से 20 डेमा के नीचे ही स्लाइड कर रहा है और आज भी उसने एक अटेम्प्ट जरूर किया 20 डेमा को वापस रीटच करने के लिए और वो फेल होता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से करंट लेवल पे भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है वोल्टास में। 1265 का एक SL लगाकर करंट लेवल पे एक शॉर्ट बनाया जा सकता है। जो टारगेट्स दिखकर आ रहे हैं वोल्टास के वो है 1225 तक के टारगेट्स वोल्टास में। धीरे करके टाटा कम्युनिकेशन भी अब 3-3.5% का दबाव, ये कल रिजल्ट से पहले 2.5-3% कमजोर हुआ था, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स मिले जुले थे, इनफैक्ट कमजोरी कह लीजिए, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन के साथ इशू ये है कि पिछले 3 क्वार्टर्स से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करे ही चले जा रहे हैं और अब वो दिन के लोज के आसपास ट्रेड, तो इसमें तो शायद शॉर्ट कॉल पकड़ी थी, टारगेट अचीव भी हुआ और ये उसके बाद भी और प्रेशर थोड़ा सा इस स्टॉक में आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ। मिश्रा साहब जरा इसका चार्ट देखिए, टाटा कम्युनिकेशन वीकनेस और बढ़ेगी क्या? ये रही है आज की एक कंजेशन था जो कि मूविंग एवरेजेस का एक रिबन है जिसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा था करीब 1270 का, आज उसके नीचे ये ट्रेड करने के चांसेस ज्यादा एक्सटेंड लग रहे हैं और नियर टर्म में करीब 1190 से 1200 का जोन है वहां जाके शायद ये स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के फेवर में है, उसके हिसाब से आप डेफिनेटली पोजीशन निश्चित कर सकते हैं 1255 के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा कम्युनिकेशन आपकी स्क्रीन पे डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ, उसके बाद देखिए एक स्टॉक जिस पे बहुत एग्रेसिव शॉर्टिंग हो रही है, जरा प्लीज एक बार आप ग्लेनमार्क का फ्यूचर्स स्क्रीन पे रखिएगा, स्पॉट स्क्रीन पे रखिएगा और इसकी जरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की प्लेट भी रखिएगा। ये स्टॉक तोड़ रहा है अपना पूरा का पूरा अप्रैल और मार्च सीरीज का बेस। राजेश सतपुते जी, आपका टेक, एक बार एक काम कीजिए, इस पर पुट ऑप्शन रखिएगा ग्लेनमार्क की, ग्लेनमार्क का पुट ऑप्शन, ग्लेनमार्क की एक काम कीजिए 440 की पुट रखिए आप स्क्रीन पर, ये एक सीरियस ब्रेकडाउन हो सकता है। ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क की पुट जरा प्लीज डायरेक्टर साहब प्रीमियम रखिएगा, मेरे स्क्रीन पे प्रीमियम नहीं है। 440 का पुट ऑप्शन राजेश जी लेना चाहिए क्या? आई थिंक वीरेन जी लेना चाहिए क्योंकि जिस तरह से आज फार्मा में लेवल्स टूटे हैं, नॉट ओनली ग्लेनमार्क, आप डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखिए या जाइडस का देखिए, तो यहाँ लुपिन का देखिए, तो कहीं ना कहीं लगता है आज जिस तरह से फार्मा में बिक्री हो रही है, सेलिंग हो रही है, यहाँ पे पुट लेके जा सकते हो। तो ये जो 440 का पुट ऑप्शन करीबन 6.90 रुपए के आसपास मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं, इसे आप बाय करके चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 4 रुपीज। इसका जो टारगेट सेट करना है आपको, अगर ट्रेड करना है तो इसका टारगेट होगा करीबन 13 रुपए का,